हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ 30 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज की वीडियो शेयर करने लगी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करूँगी जिसकी वजह से जशन के बालों की लेंथ इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपके बाल 30 डेज में लेंथ काफ़ी ज़्यादा बालों की इंक्रीज़ होगी, आपके बाल काफ़ी ज़्यादा मजबूत, स्वस्थ, घने बनेंगे। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें ना, चाहे विंटर हो या फिर समर हो, हमें हफ्ते में दो बार हेयर वॉश जरूर करना चाहिए। चाहे आपके बालों की लेंथ छोटी है, चाहे आपके बालों की लेंथ लंबी है, कम से कम हफ्ते में दो बार आपको हेयर वॉश जरूर करना चाहिए। अगर आप 30 डेज में अपने हेयर की लेंथ इंक्रीज करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको हफ्ते में दो बार हेयर वॉश करना है। कम से कम दो बार हेयर वॉश ज़रूर करें। शैम्पू जो आप यूज़ करते हैं वही यूज़ कीजिए। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो डैंड्रफ फ्री शैम्पू यूज़ कीजिए, बट आपको हफ्ते में दो बार शैम्पू का यूज़ ज़रूर करना है। तो गाइज, सेकेंड हमें कंडीशनर का यूज़ करना है। आप चाहे तो डव कंडीशनर का यूज़ कर सकते हैं। जस्ट 2 रुपये में मार्केट में इसके पाउच अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा वाला कंडीशनर है। आपको इसे लेंथ पे अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं जशन के बालों में कंडीशनर अप्लाई कर रही हूँ, जस्ट लेंथ पर आपको इसे अच्छी तरह से लगाना है। कंडीशनर लगाने से ना हमारे बालों में अटके बहुत ज़्यादा कम पड़ती हैं, टैंगल्स इतने नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा बाल तभी झड़ते हैं जब हमारे बालों में टैंगल्स होते हैं, हम कॉम्बिंग करते हैं। तो अगर आप कंडीशनर का यूज़ करेंगे तो हमारे जो बाल हैं उनमें अटके कम पड़ेंगी। तो इसीलिए आपको कंडीशनर का यूज़ ज़रूर करना है। आज ज़रूरी नहीं है कि कोई महंगा वाला कंडीशनर ही यूज़ करना है, आप सस्ते वाला डव कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं। इसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको कंडीशनर अपने बालों में लगाना है, लेंथ पर लगाना है, और जो भी आपके हाथों में बच जाता है उसे आपको स्कैल्प पर लगाना है। थोड़ी देर के लिए मसाज करनी है और फिर आपको पानी डाल देना है। तो गाइज, आपको ना टॉवल ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये नहीं है कि सिर्फ 30 डेज, हमेशा आपको टॉवल ड्राइंग नहीं करनी है। आप देख सकते हैं कि जशन के बाल बिल्कुल वेट हैं और किस तरह से मैं उसके बालों को टॉवल से पूंछ रही हूँ। इसी तरह से आपको टॉवल की हेल्प से अपने बालों को बिल्कुल सही करना है। आपको टॉवल ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, उससे हमारे बाल कमज़ोर होते हैं। आपको हमेशा अपने बालों का इसी तरह से ध्यान रखना है तो आपके बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे। तो गाइज, जो सबसे मेन बात है वो है ऑयलिंग। आपको 30 डेज अगर आपको 30 डेज में अगर आप अपने बालों को लंबा करना है तो आपको मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करना है, सरसों के तेल का यूज़ करना है। सरसों का तेल चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपको सरसों का तेल ही यूज़ करना है। अच्छी तरह से अपनी स्कैल्प पर, अपनी लेंथ पर लगाना है। चाहे आपके बाल छोटे हैं, चाहे बाल आपके लंबे हैं, आपको अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ऑयल लेना है। अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो आप ज़्यादा ऑयलिंग भी कर सकते हैं। गाइस, सरसों के तेल के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इससे हमारे बाल इतने लंबे हो जाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। बस आपको रूटीन में ऑयलिंग करनी है, रूटीन में सरसों के तेल का यूज़ करना है। बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। मैं शुरू से बचपन से जशन को सरसों के तेल का ही यूज़ कर रही हूँ, इससे ही उसके बाल इतने ज़्यादा लंबे हुए हैं। हम सब घर पर इसी ऑयल का यूज़ करते हैं। तो आपको 30 डेज तक या 30 डेज के बाद भी सरसों के तेल का ही यूज़ करना है। तो गाइज़, आपको ब्रेड बनाकर रखनी है। आपको ऑयलिंग करने के बाद अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना है, किसी भी तरह आपको अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना है। ब्रेड बनाकर रखनी है। आप चाहे तो लूज़ ब्रेड भी बनाकर रख सकते हैं। सिर्फ ये वाले जो मैंने टिप्स बताए हैं, जो तरीके बताए हैं, जो सीक्रेट्स आपके साथ शेयर किए हैं, सिर्फ आप ये करके देख लीजिए। 30 डेज तक आप ये कीजिए, आपके बाल इतने ज़्यादा लंबे हो जाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे अपने बालों की लेंथ देख कर। क्योंकि जशन के बाल भी काफ़ी ज़्यादा छोटे थे तो हमने उसके बालों में सरसों का तेल लगाया, उसके ब्रेड बनाकर रखी है, हफ्ते में दो बार उसे हम हेयर वॉश करवाते हैं। यही सब तरीकों से ही उसके बाल इतने लंबे हुए हैं। तो गाइज, आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलूंगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।